हमारी टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा इन्फेक्शन पहुंचा हुआ है। मजॉरिटी हमारी चंडीगढ़ के पास जो मोहाली है उसमें 48 केसेस हैं, और 15 से ज़्यादा 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। बेसिकली ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो द्वाबा रीजन, जिससे ज़्यादा हमारे NRIs हैं या लोग बाहर से आते हैं। इसके लिए हमारे पास वी आर रेडी विथ 52 कोविड आइसोलेशन हॉस्पिटल्स, वो जो अभी हमारे पास है। सिचुएशन हमारी ये है कि कंफर्म केसेस 151 है कल शाम तक, उसमें से डेथ्स हमारी टोटल अभी तक हुई हैं 11, रिकवर्ड केसेस हैं 18। वी हैव डन इट इन 4 फेजेस। फेज 1 में 2,558 बेड्स हम रख रहे हैं इन 20 इंडिपेंडेंट कोविड आइसोलेशन फैसिलिटीज अक्रॉस पंजाब। फेज 2 में 1600 बेड आइडेंटिफाइड हैं, मैन पावर आइडेंटिफाइड है एंड टास्क्ड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड। ये ऑपरेशनलाइज तब करेंगे जब फेज 1 में 50% क्रॉस कर जाएंगे। 1000 एडिशनल बेड्स इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड सर। फेज 3 में हम 20,000 बेड फैसिलिटी कोविड केयर एंड आइसोलेशन सेंटर्स में करवा रहे हैं एंड टू फंक्शन एज टेम्प्ररी हॉस्पिटल फॉर नॉन क्रिटिकल कोविड केसेस, हम बिल्डिंग्स तैयार रखते हैं उसमें। फेज 4 सर, इसको हम 20 जब 20,000 के करीब पहुंच जाएं, अगर पहुंच जाएं गॉड विलिंग, ना पहुंचे तो 1,00,000 बेड्स हम सी कोविड केयर एंड आइसोलेशन सेंटर्स में तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम हुआ सर, कल कैबिनेट हमारी हुई थी, उसमें हमने May 1st तक इस कोविड पूरे पंजाब में हमने एक्सपेंड कर दी सर। इसकी ज़रूरत थी, और आपको शायद हैरानी होगी सुन के कि मेरे 13,300 गांव हैं और 1500 गांव छोड़ के बाकी गांव वाले ही किसी को नहीं आने देते, अपनी अपनी उन्होंने बैरियर्स लगा दिए कि हमारे गांव में मत आओ। सर स्पेसिफिकली जो आपसे रिक्वेस्ट मैंने करनी थी, एक तो टेस्टिंग फैसिलिटीज। अब टेस्टिंग फैसिलिटीज मेरे पास 3 मेडिकल कॉलेज हैं, अमृतसर, फरीदकोट एंड पटियाला, एंड एक PGI यहाँ, ये 4 कर रहे हैं। हमने अब रिक्वेस्ट की है कि दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना एंड CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, बड़ी इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं, कि उनको भी इजाज़त दी जाए टेस्टिंग करने के लिए। दूसरा जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं सर, जितनी जल्दी आ सकें ताकि वी कैन डू दिस। सर द अदर वन इज़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। अब किसी को नहीं मालूम था कि ये कुछ हो रहा है, पर अब जो आ गया तो वी नीड टू एनहांस आर हेल्थ। आपको रिक्वेस्ट हमने की है कि हमें कोई ग्रांट इसके लिए दिया जाए सर, 500 करोड़ वी आर रिक्वेस्टेड। द अदर वन इज़ सर बोरोइंग लिमिट्स। एज यू नो हमें अब कोई लोकल टैक्स तो आ नहीं रहा है, एक्साइज ड्यूटीज बंद हैं, CC ये जो चेंज ऑफ लैंड यूज सब कुछ बंद है। सो वी आर रिक्वेस्टिंग, मैंने आपके फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है कि 3-4% जो बोरोइंग लिमिट अगर हमारी बढ़ाई जाए तो दिस विल हेल्प अस एटलीस्ट टाइड ओवर दिस प्रॉब्लम। फार्मर्स वेलफेयर सर, अब मेरे प्रॉब्लम ये है, कुछ और भी है, क्वेश्चन ऑफ प्लेंटी। मेरे सारे गोडाउन भरे पड़े हैं सर। मैंने आपके फूड मिनिस्टर से बात की कई बार, कुछ तो उठा है, बट अभी परसों से आने लगा मेरे सर। आई एम गोइंग टू हैव अ मार्केटेबल सरप्लस ऑफ 135 लाख टन, 180 लाख टन टोटल होगा, वो लोग अपने लिए रखते हैं, और 135,000 टन लाख टन मेरे पास है, तो मैं रखूँगा कहाँ अगर इसको शिफ्ट नहीं करते। पिछले साल का गेहूं भी पड़ा है, पिछले साल का चावल भी पड़ा है। इफ़ यू कैन हेल्प अस इन दिस,
then we will have space, otherwise bahar hi open mein hame store karna padega. Dusra sir, 3 mahine ke liye crop loans ki waiver hum cooperative bank mein to humne kar di, lekin jo nationalized banks hai wo aapko dekhna padega. And deferment of recovery by commercial banks. Commercial agar thode mahine kuch mahine defer kar de jo loans, taki takleef na ho logon ko. And sir, the other one is, log ek suggestion aayi hai jo humne aapko likha bhi hai government of India ko, ke kuch log store kar sakenge apne ghar mein agar jagah nahi hamare paas, uske liye is some bonus can be given for staggered arrival. कोई वो कोई एक महीना रखेगा उसको इतना पर क्विंटल दे दो, कोई 2 महीने रखेगा इतना पर क्विंटल दे दो, एटलीस्ट वी बी एबल टू कीप उसकी प्रोटेक्शन कर सकेंगे. क्योंकि सर अगले महीने तो इसके अगले महीने तो बरसात शुरू हो जाएगी और बाहर हवा चलती है, तरपाल उड़ जाती है और फिर फसल ख़राब जो बाहर रखी होती है. फूड कॉरपोरेशन का नुकसान नहीं होता सर, वो हमारा होता है. अब फूड कॉरपोरेशन तो खरीद करती है, लेकिन जो नुकसान होता है वो पंजाब का होता है. सो वी कांट अफोर्ड दिस. सर द अदर वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ऑल जो कवर ऑल एंगेज अंडर कोविड अंडर रिस्क इंश्योरेंस सर विद हेल्थ केयर वर्कर्स. द अदर सर इज इंडस्ट्री सर, यहाँ अब सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है. अब 1 महीने की तनख्वाह उन्होंने दे दी अपने लेबर को, अब 2-1 महीना का शायद और कर दें, बट वी हैव टू डिफर रिकवरी सर. एंड इंटरेस्ट वेव, जो इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगी हैं, अगर 6 महीने के लिए इसको वेव कर सकते हैं सर, देन दिस इंटरेस्ट पेनल्टीज नहीं लगेंगे इंडस्ट्रियल लोन्स के ऊपर. इट इज़ दिस इज एसेंशियल सर, अदरवाइज एक तरफ हम कह रहे हैं उनको वेजेस दो, रोटी दो और रहायश दो, और दूसरे तरफ उनकी प्रोडक्शन बंद है. सो अपने रिसोर्सेज से ही वो कर रहे हैं, वो कर नहीं सकेंगे ज़्यादा देर. मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिस मस्ट बी ऑल इंडिया बेसिस, दिस लॉकडाउन जो है आप इसको लॉकडाउन करवाएं प्लीज़. हमने तो कल कर दिया क्योंकि कैबिनेट ने फैसला किया, तो फैसला कर हमने अनाउंस करना पड़ा. लेकिन अगर आप सारे हिंदुस्तान की कर दें, आई वी कैन सेवा सेवा सेवा.